Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is judiciary. This is your 5th session. तो बच्चों हम लोग class 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें हम लोग chapter number 5 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है judiciary और ये आपका 5th session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार brief recap कर लेते हैं कि last class में हम लोगों ने क्या-क्या complete कर लिया था. After that we will continue with our discussion. Okay? So in our last class we discussed about the appellate system, right? और आप लोगों को मैंने बताया था that in our country India the judiciary system is integrated. तो पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से 3 courts हैं, 3 levels हैं हमारे country में. What is the structure of courts? तो उसमें आप लोगों ने देखा था that at the lowest level there is a lower court or the district court, right? जो एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है. उसके ऊपर हमने देखा दैट देयर इज द हाई कोर्ट. तो हर एक स्टेट का एक सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं. जैसे बिहार में आपका पटना हाई कोर्ट है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अलाहाबाद हाई कोर्ट है. तो हर एक जगह का एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट होता है, राइट? दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने देखा दैट द एपेक्स कोर्ट इज योर सुप्रीम कोर्ट, राइट? और हम लोगों ने अपलेट सिस्टम से क्या समझा था. सो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि जो भी डिसीजन हाई कोर्ट्स ने लिया है दैट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, राइट? कि कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, ही कैन अपील टू द हायर कोर्ट्स इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन और उसको लगता है दैट द डिसीजन टेकन बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट, राइट? और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या देखा था, थ्रू द केस ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज द लक्ष्मण कुमार और अदर्स, राइट? तो ये बेसिकली आपका जो केस था बच्चों, उसमें आपने देखा दैट लक्ष्मण कुमार एंड हिज फैमिली दे वर अक्विटेड और दे वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ लक्ष्मण्स वाइफ जिसका नाम था सुधा, राइट? तो आप लोगों ने देखा कैसे लोअर कोर्ट में पहले उन लोगों को जो लक्ष्मण और उसकी मम्मी थी और उसके ब्रदर इन लॉ को, तीनों को उन्होंने फाइनली प्रिजन में डाला और मतलब उन्होंने जजमेंट निकाला दैट दे आर सेंटेंस टू लाइफ, राइट? उसके बाद इन लोगों ने अपील किया था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने एक बिल्कुल डिफरेंट डिसीजन लिया था उनके हिसाब से, दैट वाज एन एक्सीडेंट, और उन लोगों को फिर एक्विट किया गया था, मतलब उन लोगों को रिलीज कर दिया गया था, राइट? फिर वही आप देखो कि बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड हुए थे और वुमेन फेडरेशन के लोगों ने, उन्होंने क्या किया था, दे अगेन फाइल्ड अ पिटीशन और अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट? और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था दैट वॉज बाइंडिंग अपॉन the lower courts, that is the high court and the district court there, right? तो ये आपका जो decision finally लिया गया था that they were sentenced to life, right? इनको lifetime के लिए prison मिला था, right? As a punishment. तो basically आप ये पूरा जो concept है appellate system का आपने इस example के through समझा है. I hope कि आप लोगों ने NCERT के book में जो example दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ा भी होगा, वो पूरी story समझी होगी, so that this whole concept was clear to you, right? अब बच्चों आज की class में हम लोग पढ़ते हैं about the different branches of legal system. अब हम लोग judiciary की बात कर रहे हैं और हम लोग legal system की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग courts की बात कर रहे हैं. So definitely we should understand what are the different branches of legal system here, right? तो आपका दो branches है बच्चों legal system का, आपको ये याद रखना पड़ेगा. पहला branch है आपका civil law का और दूसरा branch है आपका criminal law का. तो बच्चों ये दोनों का बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है और हम लोग देखते हैं कि सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ से डिफरेंट कैसे है. अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी याद दिलाऊंगी. आप याद करो कि क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था लॉ चैप्टर जो आप पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने एक लॉ के बारे में पढ़ा था, दैट इज द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट? 2005 में जो पास किया गया था. अगर आपको याद नहीं होगा तो उस लॉ में ये भी था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके अगेंस्ट फाइनली एक लॉ पास किया गया था, राइट? इन द फेवर ऑफ वुमेन. तो बेसिकली बच्चों आप ये जो भी एक्ट्स होते हैं, जो भी सिविल एक्ट्स या लॉज पास होते हैं, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस सिविल लॉ, राइट? अब सिविल लॉ के अंदर क्या क्या आता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम लोग क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे. और क्रिमिनल लॉ, जैसे अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा था जो मर्डर चार्ज लगा था लक्ष्मण कुमार और उसकी फैमिली के ऊपर, दैट कम्स अंडर द क्रिमिनल लॉ. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. What is the difference between civil law and what is this civil law and how it is different from that of the criminal law? Okay, so civil law deals with any harm or injury to the rights of individual. Okay, तो पहला point जो आपको याद रखना है वो ये है that civil law it deals with the rights of individual, मतलब कि कोई भी अगर injury या harm हुआ है individual के right को, so they can approach to the court, right? अब इसमें कैसे वो approach करते हैं, क्या procedure होता है, let us understand that. So in this, a petition has to be filed in a relevant court
बाय अफेक्टेड पार्टी ओनली। तो मतलब जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन, मान लो ही अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लगता है दैट हिज राइट हैज बीन वायोलेटेड कोई भी टर्म्स पे, सो ही कैन अप्रोच टू अ रेलेवेंट कोर्ट, वहां पे वो एक पटिशन फाइल कर सकते हैं एंड फाइनली ओनली द अफेक्टेड पर्सन हैज टू फाइल द केस। ओके, और बेसिकली मतलब वो पटिशन जो फाइल करना है वो सिर्फ अफेक्टेड पार्टी फाइल कर सकती है। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि मैटर्स रिलेटेड टू लैंड, राइट, कि मान लो दो लोगों के बीच में झड़प हुआ है लैंड केस में, तो उनके राइट्स को ऑब्वियसली उसके ऊपर इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, सो देयरफॉर दे कैन अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट में जाके एक पटिशन फाइल कर सकते हैं एंड द अफेक्टेड पार्टी दे कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट देयर, राइट। मतलब कि कोर्ट में जो जज होंगे ही कैन पास ऑन सम डिसीजन और उसी के थ्रू इनको कुछ रिलीफ मिलता है। ओके, सो हियर द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर बाय द अफेक्टेड पार्टी, राइट। तो बेसिकली सिविल लॉ में क्या होता है, तो इट इज डीलिंग विद द हार्म और इंजुरी टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल, टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। और इसमें आप देखो लैंडलॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया होगा कि रेंट, जो लैंड का रेंट होता है उससे रिलेटेड जो केस हो सकती है, या परचेज ऑफ लैंड से रिलेटेड जो भी केस होता है, तो ये सारे आपके सिविल लॉ में आता है, राइट। और इसमें पटिशन फाइल किया जाता है बाई द अफेक्टेड पार्टी ओनली, और जो भी कोर्ट जो भी रिलीफ मांगा जाता है बाई द अफेक्टेड पार्टी, सो देयरफॉर द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर बाई द अफेक्टेड पार्टी। ओके, तो ये आपका सिविल लॉ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिमिनल लॉ क्या है। सो क्रिमिनल लॉ डील्स विद एक्ट्स दैट इज डिफाइंड गिल्ट बाय लॉ। तो बेसिकली बच्चों लॉ जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज, जो भी चीजें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीजें दैट हैज बीन डिफाइंड एज गिल्ट या जिसको गलती माना गया है, तो वो सारे एक्ट्स अगर की जाती है वो हमारे क्रिमिनल लॉ में आता है, राइट। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल थेफ्ट हो सकता है, मर्डर हो सकता है, राइट, जो भी क्रिमिनल चीजें हमारी सोसाइटी में होती है वो सारा आपका क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने एग्जाम्पल अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था अबाउट लक्ष्मण कुमार, वो जो आपने केस देखा था दैट इज मर्डर, तो ये आपका किसके केस में आता है, वो आपका क्रिमिनल लॉ के केस में आता है, राइट। मान लो डोमेस्टिक वॉयलेंस, ये सारी चीजें जो भी हो रही है वो आपका क्रिमिनल लॉ में आता है। ओके, ऑल्सो लॉन्चिंग ऑफ FIR विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट्स द इशू, राइट। तो बेसिकली जैसे आप लोगों ने लास्ट में देखा जो सिविल लॉ हम देख रहे थे उसमें एक पटिशन फाइल किया जाता है एंड दैट हैज टू बी फाइल बाई द अफेक्टेड पार्टी ओनली, लेकिन हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे सबसे पहले FIR लॉन्च किया जाता है, दैट इज अ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, राइट। इसके बारे में भी आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है। ओके, और इसमें क्या होता है बच्चों कि पहले FIR जो लॉन्च किया जाता है वो पुलिस स्टेशन में जाके किया जाता है। ओके, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन अ पर्टिकुलर एरिया, और पुलिस स्टेशन में जाके जो भी पुलिस होते हैं वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन वो FIR लिखते हैं, और उसके बाद FIR लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और ये इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, तो पुलिस करती है, ये पूरे इशू को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, राइट। उसके बाद ही मान लो जो भी अक्यूज्ड पर्सन है उसको फाइनली कोर्ट में ले जाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सुधा के केस की बात करते हैं तो यहाँ पे इस फैमिली, जो सुधा की फैमिली है, उन लोगों ने मान लिया था कि अक्यूज्ड कौन है, वो लक्ष्मण कुमार की फैमिली है, राइट, क्योंकि घर में कोई और था नहीं या कोई ऐसा थेफ्ट हुआ था नहीं कि कोई बाहर का इंसान आके जलाएगा, राइट, या तो ये एक्सीडेंट हो सकता था या तो फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो उस एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने फाइनली डिसीजन में देखा भी था दैट इट वॉज द फैमिली मेंबर्स हु वर इन्वॉल्व इन दैट केस, राइट, और वो आपका एक क्रिमिनल लॉ है। ओके, सो हियर इफ अक्यूज्ड द गिल्टी कैन बी फाइन एंड ऑल्सो सेंट टू जेल। तो बेसिकली बच्चों इसमें क्या होता है क्रिमिनल लॉ में कि जो भी अक्यूज माना जाता है, जो भी इंडिविजुअल को अक्यूज माना जाता है, सो इफ दैट अक्यूज पर्सन इज गिल्टी ही कैन बी फाइन एंड ही हैज कैन ऑल्सो बी सेंट टू जेल, राइट। हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था कि लक्ष्मण कुमार और उसकी फैमिली को यहाँ पे गिल्टी चार्ज किया गया था एंड दे वर सेंट टू जेल बेस्ड ऑन दी क्राइम दैट दे हैव डन, राइट। मान लो किसी ने कोई छोटा क्राइम किया तो उस हिसाब से पनिशमेंट डिफर करता है, मान लो किसी ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है तो उस हिसाब से पनिशमेंट डिफर करता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर क्रिमिनल एंड द सिविल लॉ एंड दीज बोथ लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट्स। ओके, तो अब जब आप कोर्ट्स की बात कर रहे हो, जब आप लोगों ने लोअर कोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया है,
हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया है, तो क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या हर एक इंसान कोर्ट्स में जा सकता है? तो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि ऑब्वियसली किसी का भी मान लो बेसिक इंडिविजुअल राइट जो वॉयलेट हुआ है तो everyone can approach court for that. Why? Because it is the court that has been held responsible for taking care of these things, right? कि कोई भी इंडिविजुअल का अगर उनका पर्सनल राइट वॉयलेट हुआ है या जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे लॉ में जो भी लिखा हुआ है वो अगर वॉयलेट होता है तो एवरी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट एंड उसके हिसाब से उनको जस्टिस मिलती है ना? तो बेसिकली इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री, राइट? दैट इज वेरी ट्रू. ऑल्सो इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वॉयलेटेड then they can approach the court for justice to be done. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कंट्री में अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उनके जो बेसिक राइट्स हैं दैट हैव बीन वॉयलेटेड सो दे कैन इजिली अप्रोच द कोर्ट फॉर द जस्टिस, राइट? सो क्योंकि हमारे कोर्ट्स को ये का बेसिक रोल यही है, जो जुडिशरी का बेसिक रोल क्या है, सो प्रोवाइड जस्टिस टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हुज राइट्स हैव बीन वॉयलेटेड, है ना? बट क्या ये एक्चुअली होता है, क्या ये रियल सिनेरियो में होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. So here you have to understand this concept that in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. अब बच्चों यहाँ पे secluded कौन लोग हैं कि जिनके लिए बहुत easily accessible नहीं है कि वो लोग courts में जाके अपने cases को लड़ सकते हैं? वो हमारे vast majority of poor है, right? The poor people जो बिल्कुल lower economic condition है, जिनका बिल्कुल below the poverty line जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास उनका डेली खर्चा नहीं निकल सकता है, वैसे लोग जो होते हैं बच्चों, क्या उनके लिए बहुत आसान है कोर्ट्स में जाना? नहीं, इट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गो टू द कोर्ट्स. व्हाई? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग कोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लॉयर्स होते हैं. अब कोई भी केस कौन हैंडल करता है? लॉयर्स हैंडल करते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, लेकिन वो लोग चार्ज भी तो करते हैं हर एक केस के लिए. तो हमारे कंट्री में जो वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना पैसा पे कर पाए, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पिटीशन फाइल करना होता है, जो भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है. सो ऑब्वियसली उनके वो जो पुअर है हमारे कंट्री में वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल फॉर द पुअर पीपल टू गो टू द कोर्ट एंड टू फाइल अ केस अगर उनका कोई बेसिक राइट वॉयलेट हो रहा है. सो फॉर अ पुअर पर्सन हु कैनॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी खर्च भी होता है ये पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर भी होता है, बहुत सारी हियरिंग्स होती हैं कोर्ट में. तो ये सारी चीज़ें आप आगे जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सीनियर क्लास में भी क्लियर होंगे कि ये प्रोसीजर एक दिन का नहीं होता है, बहुत लंबी हियरिंग, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, उसके बाद ये सारे केसेस होते हैं, राइट? तो उसका जो चार्ज लगता है ये पॉसिबल नहीं है जो हमारे कंट्री में जो लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं. ऑल्सो जिनकी फैमिली डिपेंड किस पे करती है? डेली वेजेस पे, मतलब उनका खर्चा जो है वो डेली वेजेस जो आते हैं उसके थ्रू चलता है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कोर्ट में जाके इतने पैसे लगा सकते हैं, राइट? सो इट इज दिस द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस इज ऑब्वियसली रिमोट, इट सीम्स रिमोट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर पीपल हु आर लिविंग इन आवर कंट्री, राइट? बट इसके कॉन्ट्रास्ट में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि एक पर्टिकुलर एसोसिएशन और ग्रुप्स होता है दैट दीज पीपल दे कैन अप्रोच कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर पीपल, राइट? जिनके राइट्स वॉयलेट होते हैं. तो वो चीज़ हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे, ओके? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी बेसिकली लर्न अबाउट द ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम. इन दैट वी सॉ दैट देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, दैट इज द सिविल लॉ एंड द क्रिमिनल लॉ. एंड द सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो लर्न अबाउट अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ न्यू थॉट जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, दैट इज डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट और नॉट. तो हम लोगों ने देखा दैट वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर इन आवर कंट्री दे आर नॉट दे डोंट हैव इजी एक्सेस टू द कोर्ट्स, राइट? एंड व्हाई इज इट? बिकॉज उनके पास बहुत सारे पैसे, बहुत पैसे नहीं होते हैं, जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसीजर होता है और पिटीशन फाइल करने का जो भी पैसे लगते हैं, उनके पास वो सफिशिएंट पैसे नहीं होते हैं जो वो पे कर सकते हैं लॉयर्स को, राइट? अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में PIL का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, दैट व्हाट इज दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड हाउ डज इट हेल्प द पुअर पीपल इन आवर कंट्री, ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.